नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। बचपन में कई बार चोर पुलिस का खेल आपने हमने सबने खेला है। वो पुलिस बनकर चोर और बाकी सारे लोगों पर रुबाब जमाना भी क्या खूब मजा देता था। वैसे भी आज का युवा सिंघम जैसी फिल्में देखकर पुलिस ऑफिसर की एक अलग ही छवि अपने मन में लिए घूमता है और इसका प्रभाव उन पर काफी गहरा है। लेकिन वो युवा जो उन्हें पसंद करते हैं, वो ये चीज क्यों भूल जाते हैं कि ऐसे अफसर बनने के लिए इन पुलिस वालों ने दिन रात एक किए होते हैं, मेहनत की होती है, अपने आप को साबित किया है, घोर निराशा में भी अपनी लगन और हिम्मत का दिया जलाए रखा और तभी आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सिर्फ झूठे नाम और रुतबे के लिए नहीं, बल्कि देश सेवा के लिए। अब आज की रातों रात सफलता चाहने वाले युवा इस मेहनत, त्याग और समर्पण को कैसे समझ पाएंगे? तभी ऐसी हरकत करते हैं कि हर कोई चौंक जाए। जैसे कि ये केस ही ले लीजिए, फर्जी पुलिस कांस्टेबल बनकर लोगों के बीच रौब झाड़ने वाले एक युवक के खिलाफ सलुम्बर थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी युवक बंवरलाल, पिता मदनलाल ओड़, निवासी करगेटा है, जो सलुम्बर थाने में सफाई कर्मचारी रह चुका है। आरोपी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट राजस्थान पुलिस नाम से बनाया हुआ है, जिसके स्टेटस में खुद को पुलिस वाला बताया है। वो पुलिस की वर्दी में थाने के वाहन के साथ तो कभी पुलिस वॉकी टॉकी और बंदूक के साथ फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता है, ताकि लोगों को ये लगता रहे कि वो असली पुलिस वाला ही है। सलुम्बर थाने में बतौर सफाई कर्मचारी रहते हुए उसकी पुलिसकर्मियों से अच्छी जान पहचान हो गई। थाने में काम करते हुए वह फर्जी पुलिसकर्मी की छवि बनाने की कोशिश करने लगा। सलुम्बर थानाधिकारी मनीष खोईवाल के अनुसार, एक माह पहले सलुम्बर थाने के कांस्टेबल लोकेश की अपाची बाइक चोरी हो गई। वह बाइक फर्जी पुलिसकर्मी भंवरलाल के घर से बरामद की गई है। भंवरलाल एक बाइक चोरी की घटना के बाद से थाने में सफाई कर्मी का काम करने ही नहीं आ रहा था। पुलिस को एक दिन पहले मुखबिर से सूचना मिली थी कि भंवरलाल नाम का एक युवक है, जो रात के समय पुलिस की वर्दी पहनकर घूमता है। वो पुलिसकर्मी नहीं होने के बावजूद खुद को पुलिसकर्मी बताता है। रात के समय अब लोगों पर रौब झाड़ता और धमकाता है। और इसके बाद पुलिस ने आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई तो पता लगा कि उसने पुलिस के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया हुआ है, जहां वो पुलिस की वर्दी पहनकर सलुम्बर थाने के बाहर तो कभी जीप बाइक के साथ फोटो वीडियो शेयर करता है। मामले को गंभीरता को देखते हुए सलुम्बर जिला SP अरशद अली ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए। पुलिस ने जब आरोपी के घर पर दबिश दी तो आरोपी घर से फरार मिला। पुलिस को आरोपी के घर से तलाशी के दौरान चोरी हुई सफेद कलर की अपाची बाइक भी मिल गई, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। इसके अलावा पुलिस की वर्दी, राजस्थान पुलिस का बैज, विजय स्तंभ का लोगो लगी एक शर्ट और राजस्थान पुलिस का मोनोग्राम लगी एक कैप मिली। इसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसके अलावा शूज और खाकी रंग के मोजे भी मिले हैं, जिन पर अंग्रेजी में पुलिस लिखा था। अब आप बताइए, ये युवा पीढ़ी जो इस तरह से झूठ मूठ का पुलिस वाला बनने में यकीन रखती है, या जिस तरह से ये रौब झाड़ना चाहती है बिना मेहनत किए, क्या ही मिल पाएगा इनको? क्या ये मेहनत से इस मकाम को हासिल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर समय बहुत लगता है, बहुत त्याग लगता है, बहुत समर्पण लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आसान है ये सब करना, फोटो लगा लेना, वीडियो लगा लेना, पुलिस की तरह रौब झाड़ना, लेकिन एक न एक दिन इस तरह से पकड़े जाते हैं और फिर सब कुछ ख़त्म, क्या ही मिल गया। इसलिए इस तरह से ना बनके अगर आप इस प्रोफेशन को, या आप अगर पुलिस की वर्दी, पुलिस के काम, पुलिस के जो पूरा एक विभाग है उसको लेकर के अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए हमें, तो उसकी तरह बनने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, वो सपने देखिए और उसको पूरा कीजिए। लेकिन ये गलत है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र NEC एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, BEd, BA BEd, BSc BEd, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके।
ये विजन है R&T अमेरिकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम का। तो आज की सुन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेज।